और भाई भोलू कैसा है? ये है भोलू, और भोलू बहुत ही भोला है। भोलू स्कूल में हमेशा टॉप मारता है। ये एक फ्रंट बेंचर है जो हमेशा स्कूल टाइम से जाता है। मैं स्कूल जा रहा हूँ। और टाइम से वापस आता है। मम्मी मैं आ गया। भोलू पढ़ाई में काफी तेज है। और भोलू अपना सारा होमवर्क हमेशा टाइम से कंप्लीट करता है। अब जहाँ एक तरफ फ्रंट बेंचर भोलू अपने स्कूल के दिन भोलेपन में व्यतीत कर रहा था, वहीं दूसरी ओर बैड इन्फ्लुएंस, पीयर प्रेशर और बैक बेंचर्स की काली शक्तियां बढ़ती जा रही थी। और इन काली शक्तियों का सरगना था बैक बेंचर फिरोज। आई एम फिरोज। और तभी फिरोज की नजर पड़ी भोले से भोलू पे, जो अभी तक पीयर प्रेशर का शिकार नहीं हुआ था। रिलैक्स। बोलू मैंने सुना है तू अच्छी वाली साइड है, मेरी साइड ज्वाइन कर ले, तेरी लाइफ बदल दूंगा। नहीं नहीं मैं नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं अच्छा बच्चा हूँ। बोलू अगर तू मेरी साइड आएगा तो तेरे को जीवन का जो सुख चाहिए तेरे को सब मिलेगा। हम यहाँ पे एकदम ऐश करते हैं, चिल थग लाइफ, सावेज है ब्रो हम यहाँ पे। मैं अपने माँ बाप का अच्छा बच्चा हूँ, मैं आपको ज्वाइन नहीं करूँगा। तेरी जबान बहुत ज्यादा चलती है बोलू। हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल तू। मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। मुझसे हाथ मिला ले। गद्दार से दोस्ती नहीं। मारा जाएगा। अपनी सोच। इतना गुरूर ठीक नहीं। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। अब निकल यहाँ से। ओके 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 कूल कूल। लेकिन एक चीज याद रखियो, सारी लड़कियाँ मेरे पास ही है, हमेशा सिंगल रह जाएगा। सारी लड़कियां आपके पास हैं, मैं आपके ग्रुप को ज्वाइन करता हूं, मेरे को अपनी शरण में ले लो प्रभु। ओके ओके कूल। और इसी तरह भोला सा भोलू अब भोला नहीं रहा, पीयर प्रेशर और बैड इन्फ्लुएंस के चलते फ्रंट बेंचर से बैक बेंचर बन गया। नायक नहीं खल चोरीटा सिंगल चुप। तो ये बात है जब हमारी स्टोरी के हीरो मेरे पिताजी AKA मिस्टर भोलू, हाँ पापा का निकनेम बचपन में भोलू जैसा ही कुछ था, एग्जैक्टली क्या था वो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन भोलू जैसा ही कुछ था। तो मिस्टर भोलू क्लास 6 में अभी आए थे, क्लास 5 तक वो काफी होशियार पढ़ाकू बच्चे हुआ करते थे। क्या होता था उस टाइम पे, तुम अपने आप से घर नहीं जा सकते थे, स्कूल भी तुम्हें बस लेके आएगी और घर भी तुम्हें बस छोड़ के जाएगी। लेकिन क्लास 6 में अब तुम सेल्फ स्टूडेंट हो जाते हो, अब तुम अपने आप से घर जा सकते हो। अब भाई क्लास 5 तक वो भोलू जो एकदम फ्रंट बेंच पे बैठता था, हर होमवर्क टाइमली करता था, माँ बाप का दुलारा, सबका प्यारा भोलू हमारा, लेकिन अब भाई वो क्लास 6 में आ चुका था, उसको अब सैवेज बनना था, थग बनना था, जिसको लड़कियां देख के बोले ओ माय गॉड इसमें तो बहुत स्वैग है। तो अब भोलू गलत संगत में पड़ चुका था, फ्रंट बेंचर से बेसिकली बैक बेंचर बन चुका था। नो ऑफेंस टू बैक बेंचर्स, मैं खुद एक बैक बेंचर था। सो नाउ ही हैड फ्रेंड्स जो होते नहीं है, अरे छेड़ना भाई होमवर्क कौन करता है, टीचर डांटती है डांटता रहे, चल आजा ब्रो आज क्लास बंक करते हैं, आज क्लास बंक कर लिया तो भाई अब कल स्कूल बंक करेंगे। एंड फिर भोलू ने किया अपनी जिंदगी का सबसे पहला स्कूल बंक। अब छठी क्लास के 3-4 लौंडे स्कूल बंक करके जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, थिएटर में मस्त बैठे हुए पिक्चर देख रहे हैं, एंड इंटरवल हो जाता है। अब इंटरवल में हल्के होने के लिए भोलू वॉशरूम गया, जैसे भोलू वॉशरूम से बाहर निकलता है भोलू के मामा जी मतलब मेरे पापा के मामा जो मेरे नाना लगे प्रोबेबली, आई डोंट नो फैमिली ट्री बहुत कंफ्यूजिंग होता है, नाना नहीं दादा सॉरी दादा लगे, पापा के मामा जी ने उनको वहां पे देख लिया एंड कहा अबे भोलू तू यहाँ पे क्या कर रहा है, एंड भोलू भी लाइक आई मीन मेरे पापा वाज लाइक अरे पिक्चर देखने आए हैं। सॉरी डार्लिंग। तो भोलू के मामा जी ने भोलू को वहां पे पॉपकॉर्न पेप्सी खिलाई, मतलब ऐसा नहीं कि उसको डांटना शुरू कर दिया, भोलू के मामा जी बहुत एकदम चिल थे वहां पे, तो उन्होंने भोलू को कहा कि आजा भाई पॉपकॉर्न पेप्सी खा ले, भोलू ने मस्त पॉपकॉर्न पेप्सी एंजॉय करा, पिक्चर खत्म हुई, भोलू स्कूल बंक खत्म करके घर पहुंच गया, सब कुछ एकदम नॉर्मल, भोलू का पहला स्कूल बंक सक्सेसफुल। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, ऑलमोस्ट हो गया था, अंटिल शाम के टाइम पे भोलू ट्यूशन से वापस आता है एंड घर पे क्या देखता है, भोलू के मामा जी। गेस व्हाट, कौन से वाले, वही मामा जी जो सुबह पापा को थिएटर में मिले थे वो अब घर पे आए हुए हैं। एंड उनको देखते ही पापा भाई सुन, अगर By any chance, मतलब 1% chance भी है ना कि अगर इन्होंने बता दिया कि मैं आज थिएटर में इनको मिला हूं, तो भाई भोलू तो गए हो ठाकुर तो
करूंगी। मेरे दादाजी एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर हुआ करते थे, तो वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते थे एंड पापा बहुत डरते थे उनसे, एंड बस वो सिर्फ यही प्रार्थना कर रहे कि हे भगवान, हे मतरनी, जो मर्जी हो जाए पर बाय चांस भी मामा जी के मुंह से सुबह वाली बात ना निकल जाए। एंड गेस व्हाट हैपेंड, ऑब्वियसली मामा जी ने बोला कि ऐता मेनू सवेरे मिलिया सीगा, थिएटरशिप पिक्चर वेखदा सीगा, मतलब ऐसे कुछ पंजाबी में बोला होगा ऑब्वियसली। तो दादाजी वाज लाइक एक सेकंड, ये कैसे हो सकता है, ये सुबह स्कूल में था उसके बाद आते ही ट्यूशन चला गया, तो तेनू कितने मिल गया है थिएटरशिप। तो मामा जी कह रहे हैं एनू पूछो बता बोलू दस डैडी नु, तू सवेरे मेनू थिएटरशिप मिलिया सी, मतलब तू मेरे को सुबह थिएटर में मिला था। तो पापा मेरे कहते हैं नहीं तो मैं तो नहीं मिला। मामा जी शॉक हो गए कि ये झूठ बोल रहा है, मेरे को अभी तो दोपहर को मिला। उन्होंने कहा बोलू बेटा झूठ क्यों बोल रहा है, तू मेरे को अभी दोपहर को ही तो मिला था थिएटर में। वो कह रहा है मामा जी आप झूठ बोल रहे हो, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। मामा जी यहाँ पे कह रहे अरे तू वॉशरूम में था, मैं बाहर खड़ा हुआ था, तू जैसे ही वॉशरूम से बाहर आया तो मैंने तेरे को देखा, हुआ नहीं हुआ। पापा कह रहे हैं मामा जी आज दिन ची ला ली, मतलब भाई वो कह रहे ऐसे कैसे बोल रहा है, मैंने तेरे को पॉपकॉर्न पेप्सी खिलाया। मैं नहीं था, मेरा कोई हमशिकल होगा, गर किसी और बंदे को खिलाया हो आप, मैं नहीं था। वो कह रहे हैं मैंने तेरे को खरीद के, अपने पैसों की खरीद के पॉपकॉर्न पेप्सी खिलाया, तुझसे बात करी है, तू कह रहा मैं नहीं था, कह रहा किसी और को खिला दी होगी गलती से, मैं नहीं था। बात तो सही है, दुनिया में सात तरह के सेम दिखने वाले लोग हो सकते हैं, तो पॉसिबली हम शक्ल हो सकता है, बट दादाजी ने ये वाली बात मानी नहीं। और दादाजी क्योंकि उस जमाने में यू नो पेरेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते थे और बच्चों को मारते पीटते भी थे काफी, आजकल नहीं मार सकते अलग बात है। पापा को बहुत पिटाई पड़ी, बहुत सूता उन्होंने, एंड फिर भी मेरे पापा एक ही चीज बोलते रहे यार मैं था ही नहीं, मेरे को मार गिरे हो तुम, मैं तो स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, ये मामा जी ने पक्का किसी और को देख लिया होगा, मैं नहीं था, पापा मेरी बात विश्वास करो। वो पिटते रहे लेकिन यही बोलते रहे नहीं था मैं, नहीं था। वो माने नहीं, वो मेरे ख्याल से आज भी नहीं मानेंगे। 2000 years later. जल्दी करो पनवेल निकलना है सुबह। बस एक क्वेश्चन है, थिएटर में कौन था भाई? कोई और होगा, किसी हो सकता है हम शक्ल हो मेरा, दुनिया में सात लोग एक जैसे होते हैं, कोई और होगा, किसी और को पॉपकॉर्न पेप्सी पिला दी होगी। आप कहाँ थे फिर? मैं तो स्कूल में था भाई, मैं पढ़ने लिखने वाला बच्चा हूँ, इंटेलिजेंट बच्चा था। झूठ बोल रहा है। वेल वेल, पापा ने तो बोल दिया कि वो नहीं थे थिएटर में, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कौन था थिएटर में? अबे साले, कमेंट्स में जरूर बताना। एंड इस वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड एक बहुत ही ओपी रोस्ट वीडियो जो है वो इसी वीक आएगी, ये तो फर्स्ट टाइम होगा इन 1000 मिलियन ईयर्स के एक ही हफ्ते में दो वीडियो आएंगे। हमें लगे अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।